एक साल से बाहर ही नहीं निकले हम भाई। कुछ मत पूछ, पिछले 2 महीने जो मेरा हाल हुआ। एक तो मैं तुम्हारी बोरियत खत्म की, उसका तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो। तो लूडो खेल रहे थे किसके साथ? अपनी अम्मी के साथ। भूत के साथ। और भूत जीत रहा था? जी नहीं। इडियट। वो मैं सोच रहा हूँ हमने काफी अरसे से लूडो की गेम नहीं लगाई, तो एक गेम हो जाए। फायदा क्या, हर बार की तरह मैं नहीं जीतना है। ओ हेलो, हमेशा मैं जीती थी। कहाँ भाई, मैं जीतता था याद है, ग्रीन लेता था मैं और मैं जीतता था हर बार। जी पता नहीं कहाँ से आप खेलते होगे जिसमें जीतते होगे, मेरे साथ तो आज तक नहीं जीते हो। तुम लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आया। जीतती थी, अभी पता चल जाएगा कौन जीतता था। दो दो मैं सेटिंग करूंगी। ये लो कर लो। बोलो। हाँ मेरी बात सुनो, कोई फजूल हरकत मत करना। और अरे दोबारा मेकअप क्यों कर लिया? तो खौफनाक दिखना भी तो जरूरी है, इतनी मासूम शक्ल के साथ किसको डराऊंगी मैं? ओ भाई किसी को नहीं डराने वाली तुम, वरना मैं तुम्हें ऐसा इग्नोर करूंगा सारी जिंदगी बोर होती रहोगी। आई डोंट थिंक तुम ऐसी पोजीशन में हो कि मुझे धमकी दे सको। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज बस मेरी ये बात मान लो, हाथ जोड़ लो। अरे आ भी जाओ यार, नहीं कहाँ रह गया है? आ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो, बारी तो चलो। वे कोई पीछे पीछे नहीं, मत हिला उसे। अरे नहीं वाकई ये गोटी आगे थी ये पीछे हुई है। यार अब तुम हारने लगी हो तो चीटिंग करना शुरू कर दोगी। मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई गोटी छोटी नहीं ली, जहाँ थी वहीं रहने दो। मैं किस गलत लोगों में फंस गई। ये गोटी उस तरफ थी, इधर कैसे आई? अबे इधर ही थी भाई। नहीं भाई कसम से ये गोटी उस तरफ थी, इधर नहीं थी। अच्छा जब मैं बोल रही थी तब तो यकीन नहीं कर रहे थे तुम। तो इसका मतलब तुम बदले ले रही हो? ओ भाई कोई बदले बदले नहीं ले रही, मैंने नहीं लाई है कोई गोटी। यार ये तुम दोनों अगर चीटिंग करना बंद कर दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। चीटिंग कहां से भाई, गोटी अपने आप इधर उधर हुई जा रही है, अजीब। एक मिनट एक मिनट, जब भी तुम्हारे घर आता हूँ ये अजीब सी चीजें क्यों होना शुरू हो जाती हैं यार? ऐसा क्या हुआ था? अब कुछ नहीं हुआ था ऐसे ही बस। तुम्हारे सामने नहीं हुआ था ना इसलिए। मैं पिछली बार जब इसके घर पे आया था ना तो इसके कमरे में वो टेबल पे फ्रेम पड़ी है ना वो जमीन पे गिर गई, तो इसने उठा के दराज के अंदर डाल दी। फिर इसकी अम्मा ने आवाज दी तो ये नीचे चला गया, फिर ना ही कोई दराज खुला ना ही कोई आवाज आई, वो फ्रेम वापस जमीन पे गिर गई। मैं तो ऐसा भागा वहां से कि सोच है। अरे वो अबे वो फ्रेम मैंने ही तो बाहर रखा था, अबे तू देख नहीं रहा था, एच में पड़ा था गिर गया। नहीं भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उसे दराज में डाला है, मैं ऐसे ही थोड़ी डरा था। बस रहने दो भाई, तुम वैसे ही इतने बड़े डरपोक हो, हर छोटी मोटी चीजों में तुम्हारी चीखें निकल आती हैं। बेटा तुम्हारे सामने होता ना तब मैं पूछता, मैं तो बता रहा हूँ उसके घर में कुछ है। यार अगर कुछ होता तो मुझे अब तक फील हो जाता ना।
एग्जैक्टली भाई मेरी बात सुनो, किसी का पैर वैर लग के भी गिर सकता था, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? भाई ये वो वाला भूत है, मैं तो जा रहा हूँ। You guys are just imagining things. Sorry Harris, but I'm with Ahmed on this one. हम next time कहीं मिलेंगे ना, कहीं बाहर मिलेंगे, तुम टेंशन ले लो, ठीक है? आइंदा मुझे धमकी देने से पहले 10 बार सोच लेना, because this, my friend, is just the beginning. Hello? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक दिखाई थी कि अगर तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी, और तुमने मुझे वाकई इग्नोर करना शुरू कर दिया। किस बात पर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? हैं? अपने दोस्तों में से रो रहे हो? भाई मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी चीज गिराई थी, दोनों ऐसे भाग रहे से कोई भूत देख लिया। मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे दोस्त डरपोक निकले। ठीक है, रोते रहो, मेरा क्या है? और इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। कैन यू इवन इमेजिन, एक भूत एक इंसान से माफी मांग रहा है, कभी देखा है ऐसा? नहीं ना, क्योंकि ना ऐसा कभी हुआ है और ना ही होगा। समझ आई? अपना चार्जर तो नहीं चाहिए ना, छुपा दूं? वो चीनी और नमक मैंने आपस में स्विच कर दिए थे, जस्ट सो यू नो। मैंने पहला लफ्ज बोला है। तो कोई वर्ड भी नहीं है। मैं चाहती तो तुम्हारी अम्मा को टॉर्चर कर सकती थी, पर एक बार भी ऐसा कुछ नहीं किया, सोचा तक नहीं। मुझ जैसे रिस्पेक्टफुल भूत तो दुनिया में होते भी नहीं है। कदर करो कुछ मेरी।
ओए, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे बोर नहीं होने दोगे, और पिछले 2-3 दिनों से तुमने मुझे सिर्फ बोर किया है। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आज तो हद ही कर दी तुमने। ऐसा लग रहा था मैं दोबारा इस घर में अकेली रह गई। इतनी सी देर और लगी थी मुझे पूरी तरह पागल हो जाने में। यही चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? मेरे नॉर्मल वर्जन को तो बर्दाश्त कर नहीं सके, मुझे पागल बर्दाश्त कर लोगे? हाँ बोलो, तोड़फोड़ करना शुरू कर दूं यहां पर मैं? Doesn't share her with me. Well, the old stingy Jack got to put the stop to that. Jack is me. बात सुन लो पहले। Sorry. कितना मुश्किल था ये बोलना? बहुत। वैसे सॉरी, मैंने भी कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन तुम्हें पता मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें पता चल सके कि हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। और हाँ, मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है। लेक्चर? लेक्चर से याद आया, कल से यूनिवर्सिटी भी खुल रही है यार। चलो, मरने का कोई तो फायदा हुआ, कम से कम मुझे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं करनी पड़ती। मरने से पहले तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में थी? कुछ भी नहीं याद। क्या मतलब नहीं याद? मरने से पहले का मुझे कुछ भी नहीं याद। मैं किस यूनिवर्सिटी में थी, मेरा नाम क्या था, मेरी उम्र, मेरे दोस्त, बहन भाई, माँ बाप, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं याद कि मैं मरी कैसे थी, क्योंकि मैं इतनी यंग एज में मरी थी, यकीनन मेरे साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा। कोई लाइलाज बीमारी, हाईवे पे कोई हाई स्पीड एक्सीडेंट, या फिर कोई ट्रेजिक मर्डर। गेस विल नेवर नो। पता करना क्या कि तुम कैसे मरी थी? Hi guys, thank you so much for watching the third episode. Fourth episode aa raha hai bahut jald. Don't forget to watch it on Imagination Pictures channel. And subscribe to Imagination Pictures as always, and bell icon pe click kar dijiyega taki aapko agle episode ka jald pata chale.